तो अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, तो आज ही इसे आप जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में होता क्या है? इसमें होता यह है कि एक सेंटेंस दिया रहता है, जैसे आपका फर्स्ट है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। अब इसका एक छोटा सा सेंटेंस लिखना है जिसमें इसका जो अर्थ है उसमें समाहित हो जाए, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको, ठीक है, उस इंग्लिश में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे देखिए, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, तो इसका होता है अतिथि, ठीक है, जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे हम कहेंगे अतिथि, ठीक है, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं गेस्ट, अगर इंग्लिश में पूछा जाता है तो हिंदी ये आपका मैं पढ़ा रहा हूं, तो हिंदी में इसी प्रकार से आपको लिखना है। देखिए, अतिथि वह है जिसके आने की कोई तिथि नहीं है, तो देखिए इस वाक्य का अर्थ इस इतने से वाक्य में समाहित तो हो गया, तो इसी प्रकार से आपको सबको लिखना है। जैसे दूसरा देखिए क्या है, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, तो पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अंतरिक्ष, ठीक है। तो इस सेंटेंस का, इस वाक्य का जो अर्थ है वो मैंने एक ही अक्षर में लिख दिया, एक ही वर्ड में, ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। से तीसरा देखिए, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे हम लोग कहते हैं अजात शत्रु, इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, पहले पढ़ लीजिए। तो उसे हम कहते हैं अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो यानी कि दुश्मन ना हो उसे हम कहते हैं अजात शत्रु, ठीक है, समझ में आया? ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो भी आप ऐसे इसे टिक कर सकते हैं, जो सही होगा उसका टिक आप कर देंगे, पहले वीडियो अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो। देखिए, चौथा हमारा है जिसका वर्णन ना किया जा सके, तो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता उसे हम कह सकते हैं अवर्णनीय, अवर्णनीय का मतलब जिसका वर्णन ना किया जा सके, ठीक है। अब पांचवा देखिए क्या, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, तो ईश्वर में विश्वास रखने वाले को हम कहते हैं आस्तिक, आस्तिक, ठीक है, विश्वास ना रखने वाले को हम क्या कहेंगे, आके स्थापन ना लिख देंगे, नास्तिक, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक और ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक, ठीक है, याद रखिएगा, वो भी पूछा जाता है। इसके बाद में हमारा छठवां है कि किसी के उपकार को ना मानने वाला, तो जो दूसरों के उपकार को ना माने, ठीक है, उसे हम कहते हैं कृतघ्न, कृतघ्न, ठीक है। अब देखिए हमारा सातवां है, जो स्त्री कविता लिखती हो, तो जो स्त्री कविता लिखती है उसे हम क्या कहेंगे, कवित्री, ठीक है, कवित्री, और जैसे जो पुरुष कविता लिखता हो उसे हम क्या कहेंगे, कवि, ठीक है। इसके बाद में हमारा आठवां इंपॉर्टेंट है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कि जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम कहते हैं जिज्ञासु, जैसे अगर आप कुछ जानने की इच्छा रखते हैं तो हम आपको कह सकते हैं जिज्ञासु। इसके बाद में देखिए हमारा नौवां है कि प्रतिदिन प्रकाशित तो होने वाला समाचार पत्र, यानी कि प्रतिदिन जो समाचार पत्र प्रकाशित होता है उसे हम कहते हैं दैनिक, ठीक है। तो इसका संक्षिप्त में जो आंसर होगा वो दैनिक होगा, तो प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र दैनिक। तो दसवां देखिए, संयम से और कम खर्च करने वाला, तो इसे हम लोग कहेंगे मितव्ययी, मितव्ययी, यानी कि ये व्यय कम करता है, ठीक है, एक संयम से और कम खर्च करता है उसे हम कहते हैं मितव्ययी। उसके बाद में हमारा ग्यारहवां है कि जो अधिक बोलता हो, तो उसे हम लोग कहेंगे वाचाल, ठीक है, वाचाल, जो अधिक बोलता हो उसे हम कहते हैं वाचाल, ठीक है। इसके बाद में देखिए हमारा बारहवां है कि जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता हो उसे हम कहेंगे संपादक, सिंपल है, ठीक है, तो जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता हो उसे हम कहेंगे संपादक। तो ये आपका टोयल नंबर है, ठीक है, तो ये समझ में आया। इसके बाद में हमारा तेरहवां है कि सदा सत्य बोलने वाला, तो सदा सत्य बोलने वाले को हम कहेंगे सत्यवादी, सत्य का मतलब सत्य, वाद का मतलब बोलने वाला, ठीक है, तो सत्यवादी। इसके बाद में हमारा चौदहवां इंपॉर्टेंट है कि जो वंदना करने योग्य हो, जो वंदना करने योग्य हो उसे हम कहेंगे वंदनीय, ठीक है, वंदनीय। उसके बाद में हमारा पंद्रहवां है कि जिसका विश्वास किया जा सके, तो जिसका विश्वास किया जा सके उसे हम कह सकते हैं विश्वसनीय, ठीक है, विश्वसनीय, ठीक है। इसके बाद में हमारा सोलहवां इंपॉर्टेंट है कि जिसका कोई दूसरा ना हो, जिसका कोई दूसरा ना हो यानी कि जिसका कोई दूसरा पालन पोषण करने वाला ना हो उसे हम कहेंगे अनाथ, अनाथ, ठीक है, समझ में आया, जिसका कोई दूसरा ना हो उसे हम कहेंगे अनाथ।
उसके बाद में हमारा 17वां इम्पोर्टेंट है कि जिसकी उपमा ना दी जा सके, तो जिसकी उपमा नहीं दी जा सकी सकती है उसे हम कहेंगे अनुपम, ठीक है, अनुपम। इसके बाद में हमारा 18वां इम्पोर्टेंट है कि 100 वर्ष की आयु पूरा करने वाला, तो जो 100 वर्ष की आयु पूरा करता है उसे हम कहेंगे शतायु, ठीक है, 100 वर्ष की आयु पूरा करने वाला शतायु। इसके बाद में हमारा 19वां है कि चित्र बनाने वाला व्यक्ति, तो जो चित्र बनाने वाला व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं, चित्रकार, ठीक है, आर्टिस्ट, तो चित्रकार। इसके बाद में हमारा लास्ट है क्या है जी, सेना के रहने का स्थान, तो सेना के जो रहने का स्थान होता है उसको हम लोग कहते हैं छावनी, ठीक है। इसका जो होगा नए शब्द के लिए एक शब्द, वो एक शब्द होगा छावनी, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप 20 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है, किस लिए, इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा किसमें, कमेंट में, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। क्या है कि जिसकी कल्पना ना की जा सके, ठीक है, उसे इस वीडियो में हम जानेंगे वाक्य संशोधन क्या होता है, वाक्य संशोधन के 10 ऐसे उदाहरण देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप ये 10 एग्जाम्पल वाक्य संशोधन के तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में आसानी से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो देखिए वाक्य संशोधन होता क्या है, जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते थे सिंटैक्स, वैसे इसमें होता है वाक्य संशोधन, ठीक है। वाक्य संशोधन का मतलब होता है वाक्य दिया रहता है, जैसे दिया है वाक्य मेरे को विद्यालय जाना है, ठीक है, ये वाक्य है, इसमें गलती होती है, मिस्टेक होती है, उसी गलती या त्रुटि को आपको सुधारना होता है, उसी को हम कहते हैं वाक्य संशोधन। इसी प्रकार हम सिंटैक्स में पढ़ते थे कि सेंटेंस दिया रहता था, ठीक है, सेंटेंस में कुछ गलतियां होती थी उसको हमें सुधारना होता था। तो वाक्य संशोधन में जैसे ये देखिए वाक्य दिया है मेरे को विद्यालय जाना है, इसमें गलती क्या है, इसमें गलती सिर्फ इतनी है कि ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, मुझे विद्यालय जाना है। देखिए इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि अर्थ नहीं बदल रहा है, जबकि सेंटेंस जो है उसमें हमने परिवर्तन कर दिया है। देखिए ऊपर कहा गया मेरे को विद्यालय जाना है, ठीक है, और नीचे क्या कहा गया है जो सही इसका है वो है मुझे विद्यालय जाना है, कहे मैं यही रहा हूं कि मुझे विद्यालय जाना है, यानी कि मेरा एम है कि मैं विद्यालय जा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है, गलती थी उसको मैंने सुधार भी दिया और अर्थ भी नहीं बदला, इसी को हम कहेंगे वाक्य संशोधन। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, 10 अगर आप देख लेते हैं 10 एग्जाम्पल तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे वह आपको केवल 50 रुपये मात्र दे सकता है, अब देखिए इसमें क्या गलती है, इसमें गलती ये है कि वह आपको, ठीक है, 50 रुपये, ठीक है, वह आपको 50 रुपये मात्र दे सकता है। अब देखिए क्या गलती थी, गलती इसमें ये थी कि वह आपको केवल 50 रुपये मात्र दे सकता है, तो केवल और मात्र का एक ही अर्थ है, यानी कि या तो आप केवल लिखेंगे या फिर मात्र लिखेंगे, एक ही लिखेंगे, ठीक है, तभी आपका सेंटेंस अच्छा लगेगा, केवल या फिर मात्र, ठीक है। तो वह आपको 50 रुपये मात्र दे सकता है, ठीक है, वह आपको केवल 50 रुपये दे सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है, लेकिन ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है केवल और मात्र दोनों नहीं रहेगा, ठीक है। सेकेंड थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं कि गुलाब का फूल लाल रंग का होता है, यानी कि जो गुलाब का फूल होता है वो लाल रंग का होता है, ये तो सभी को पता है, बस इसमें गलती क्या है, इसमें गलती सिर्फ इतना है कि गुलाब, ठीक है, गुलाब लाल रंग का होता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप लिखें गुलाब का फूल, क्योंकि गुलाब सभी को पता है कि फूल है, ठीक है, तो गुलाब लाल रंग का होता है, इस प्रकार से आपको लिख देना है, गुलाब का फूल नहीं, ठीक है, ऐसे किसी भी गुड़हल का फूल लाल रंग का होता है तो आप लिख सकते हैं गुड़हल लाल रंग का होता है, ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसका सही आंसर दे सकते हैं, ठीक है, फूल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चौथा हमारा है कि सोहन ने राम को 100 रुपया दिया, अब सोहन ने राम को 100 रुपया दिया तो इसमें क्या गलती है, इसमें गलती यही है कि सोहन ने राम को, ठीक है, 100, अब 100 क्या है, 100 है बहुवचन, तो रुपया नहीं रुपये रहेगा, ठीक है, तो 100 रुपये और दिया के स्थान पर दिए रहेगा, तो सोहन ने राम को 100 रुपये दिए, ठीक है, ये नहीं रहेगा कि सोहन ने राम को 100 रुपया दिया, समझ में आया, तो सोहन ने राम को 100 रुपये दिए, ये सही आंसर होगा।
पांचवा हमारा आता है कि वृक्षों पर कोयल बैठी है, तो वृक्षों पर कोयल बैठी है इसमें क्या गलती हो सकती है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ गलती इतनी सी है कि यहां पर आपको क्या लिखना है कि वृक्ष, ठीक है, पर कोयल बैठी है, कोयल बैठी है, ठीक है। यानी कि वृक्षों को ही जरूरी लिखने नहीं है, क्योंकि वृक्षों पर कोयल बैठी है, एक कोयल है तो एक वृक्ष पर बैठी है, तो आप लिख सकते हैं वृक्ष पर कोयल बैठी है, अब वृक्षों पर कोयल बैठी है ये नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक वृक्ष है। अगला देखिए हमारा है कि हमारी शिक्षिका विद्वान है, तो शिक्षिका है, शिक्षक नहीं है, ठीक है, यानी कि ये फीमेल है, क्या है, फीमेल, स्त्रीलिंग, तो यहां पर हमारा रहेगा हमारी, ठीक है, शिक्षिका, शिक्षिका विदुषी, विद्वान के स्थान पर रहेगा विदुषी है। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि अगर फीमेल है, ठीक है, उसके साथ अगर विद्वान यूज किया गया तो गलत है, हमारी शिक्षिका विदुषी है, अगर फीमेल है तो उसके लिए विदुषी यूज किया जाता है, अगर मेल है तो उसके लिए विद्वान, ठीक है। अब यहां पर होता कि हमारा शिक्षक विद्वान है तो हम लिख सकते थे ये सही है, ठीक है, और अगर यहां पर क्वेश्चन होता कि हमारा शिक्षक विदुषी है तो भी गलत होता, क्योंकि फीमेल के साथ विदुषी होता है, मेल के साथ विद्वान, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला हमारा है कि उसे मृत्युदंड की सजा मिली, तो इसमें क्या गलती है, ठीक है, तो इसमें गलती सिर्फ इतनी है कि मृत्युदंड जो है उसे मृत्युदंड मिला, ठीक है, उसे मृत्युदंड मिला, देखिए उसे मृत्युदंड की सजा मिली, कोई जरूरी नहीं है कि आप लिखें मृत्युदंड की सजा, मृत्युदंड ही अगर आपने लिख दिया तो इसका मतलब हो गया कि मृत्युदंड की सजा, ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं उसे मृत्युदंड मिला, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम अपना देखेंगे आठवां, तो देखिए इसमें जो है आपको मृत्युदंड की सजा नहीं लिखनी है, सिर्फ लिखना है मृत्युदंड मिला, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट हमारा आठवां आता है कि शीघ्र ही युद्ध चलने की संभावना है, यानी कि शीघ्र ही युद्ध चलने की संभावना, अब युद्ध चलता है तो ये यहां पर थोड़ी सी गलती हो चुकी है, तो यहां पर कैसे लिखेंगे इसे, तो यहां पर हम लिख देंगे शीघ्र ही युद्ध, ठीक है, शुरू होने की संभावना है, ठीक है। तो क्या कहा गया है, शीघ्र ही युद्ध चलने की संभावना है, तो इसका सही आंसर होगा शीघ्र ही युद्ध शुरू होने की संभावना है, ठीक है, चलने के स्थान पर आप शुरू होने लिख सकते हैं, उसका मतलब भी होगा कि युद्ध होने की संभावना है, इसका मतलब होगा कि युद्ध शुरू होने की संभावना है, ठीक है। इसके बारे में मान नवा है कि आज मेरा चाचा आया है, देखिए इसमें गलती क्या है, ठीक है, तो इसमें गलती यही है कि आज मेरा के स्थान पर रहेगा मेरे, ठीक है, चाचा के स्थान पर चाचा आए हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या था, आज मेरा चाचा आया है, तो इसका गलत हुई, ये गलत है, आज मेरे चाचा आए हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना होता है। इसके बारे में हमारा लास्ट आता है कि दही बहुत खट्टा है, इसमें क्या गलती है, तो देखिए दही बहुत खट्टा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखिए खट्टी है, अब हमें इसे सुधारना है, तो कैसे लिखेंगे, दही बहुत खट्टा, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा दही बहुत खट्टा है, ठीक है, और जो गलत था वो क्या था, दही बहुत खट्टी है, तो इसके साथ हम खट्टा यूज करेंगे। तो ये थे आपके टॉप 10 वाक्य संशोधन जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए। अब एक क्वेश्चन मैं करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये क्वेश्चन है कि प्रत्युष का भविष्य उज्ज्वल हो, इसमें कौन सी गलती है उसको आपको बताना आ जाएगा, ठीक है। तो पत्र लेखन यानी कि पत्र हम कैसे लिखे वो भी ट्रिक से और बिल्कुल सही तरीका, यूनिक तरीका मैं बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पानी की समस्या का निराकरण के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र लिखिए। अब पत्र अगर आप लिख रहे हैं तो कोई ना कोई रीजन होगा, किसी ना किसी टॉपिक पर आप लिखेंगे पत्र, तो यहाँ पर क्या है, पानी की समस्या है जिसको दूर करने के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए पत्र लिखते समय आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है यहाँ पर सेवा में, ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपको सिर्फ देखते चलना है सेवा में, ठीक है। अब आपको लिखना है श्रीमान निदेशक, श्रीमान निदेशक, क्योंकि आप लिख रहे हैं
जल की जो आपूर्ति है, पानी की समस्या, उसके लिए तो आपको लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ मेरठ, ठीक है, आप जिस जिले से हैं उसका नाम लिख सकते हैं, तो मेरठ जल बोर्ड। देखिए जल बोर्ड को हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि जल की समस्या है, जल बोर्ड मेरठ, ठीक है, तो मेरठ जल बोर्ड मेरठ को हम पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पर मैंने मेरठ यूज किया है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लिखनी होती है, विषय, यानी कि आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं, आपका कारण क्या है, ठीक है, किस टॉपिक पर आप पत्र लिख रहे हैं। तो ये हम लिख रहे हैं पेयजल अधिकारी, पेयजल अधिकारी को जल आपूर्ति, ठीक है, जलापूर्ति आप लिख सकते हैं, यानी कि जल आपूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है, ये हम लोग लिख रहे हैं। तो देखिए विषय हमारा क्या है, पेयजल अधिकारी को जल आपूर्ति के लिए प्रार्थना पत्र। अब देखिए आपको इस सेवा में के सीधे नीचे, ठीक नीचे आपको लिखना है महोदय, ठीक है, यहाँ पर लिखना है। अभी देखिए थोड़ा सा और लिख दीजिए, यहाँ पर आप पता लिख दीजिए, ठीक है, यानी कि हम मान लीजिए रहते हैं संजय नगर में, तो हम लोगों ने लिख दिया संजय नगर, पांडव नगर, ठीक है, संजय नगर में पांडव नगर है एक, नगर मेरठ, ठीक है। अब तो आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या लिख रहे हैं नगर फगर, तो ये क्या लिख रहे हैं हम, ये हम लिख रहे हैं, यानी कि हम किसी एक जिले का नाम हमने ले लिया है, वहाँ के कुछ जो हैं उनका हमने नाम लिया है, ठीक है, आप जहाँ से हैं उसका नाम लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ बताना है कि पत्र लिखते कैसे हैं, ठीक है। अब देखिए आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, उसी विषय पर आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमें लिखना है महोदय, महोदय ठीक नीचे सेवा में श्रीमान के, ठीक है, सेवा में, तो महोदय, अब आपको नीचे से स्टार्ट कर देना है, मैं आपका, ठीक है, आपका लिखिएगा, आपका ध्यान संजय नगर, हम संजय नगर से हैं तो संजय नगर लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब हम नहीं हैं, जैसे हमने संजय नगर लिया है, ठीक है, पांडव नगर मेरठ में, हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, कहीं रुकेंगे नहीं, ठीक है, मेरठ में पेयजल की अनियमित जल आपूर्ति, ठीक है, जल आपूर्ति की और आकर्षित कराना चाहता हूँ, ठीक है, कराना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समस्या क्या है, समस्या हम लिखते हैं इस क्षेत्र में प्रातः यानी कि सुबह केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आता है, ठीक है, नलों में पानी आता है, ठीक है, समस्या बताया जा रहा है कि 35 मिनट ही यहाँ पर नल में पानी आता है। अब देखिए क्या है, हमें क्या लिखना है, सायंकाल ठीक है, पेयजल की आपूर्ति जो आपकी समस्या है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, पेयजल की आपूर्ति अनियमित है, यानी कि पेयजल की भी पूर्ति नहीं हो पाती है, ठीक है, अनियमित है, ठीक है, कई बार ठीक है, शाम को दो दिन पानी की आपूर्ति नहीं होती, यानी कि पानी की जो सप्लाई है कई बार दो दो दिन नहीं होती, ठीक है, आपूर्ति नहीं होती,
ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए आपका जो भी है टॉपिक उसको आपको लिख देना है, ठीक है, इससे पूर्व भी। अब आपको कुछ और आगे लिख देना है थोड़ा सा, इससे पूर्व यानी कि इससे पहले भी अनेक बार स्थानीय ठीक है अधिकारियों को मैं इस समस्या, ठीक है, इस समस्या जो भी समस्या सब कुछ आप लिखिए, कोई जरूरी नहीं यही लिखें, आप बदल कर लिख सकते हैं, जो आपकी समस्या उसके बारे में बताइए, ठीक है, इस समस्या से अवगत करा चुका हूँ, ठीक है, परंतु स्थिति जो यहाँ की कंडीशंस हैं वो में कोई सुधार नहीं हुआ है, परंतु यहाँ की जो अवस्था है कंडीशन है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। अब देखिए आगे आप लिख दीजिए, अतः आपसे प्रार्थना है, जिस आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र, ठीक है, में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु ठीक है उचित कदम उठाने की कृपा करें, ठीक है, समझ में आया। अब आपको लिख देना है मैं और मेरा पूरा क्षेत्र सदैव आपके आभारी रहेंगे। यहाँ पर कहा गया है, अब देखिए आपको लिख देना लास्ट में धन्यवाद, यहाँ पर आपका जो खत्म हो जाता है लगभग धन्यवाद लिख देना है इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो है सिग्नेचर कर देना है, आपको लिखना है यहाँ पर भाव दिए, फिर आपको सिग्नेचर कर देना है, आपका अपना हस्ताक्षर कर देना है, ठीक है, नाम लिख देना है जहाँ से आप हैं, अपना नाम लिख देना है, ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं संजय कुमार, ठीक है, अब संजय कहाँ से हैं आप उसको लिख देना है, नीचे संजय नगर पांडव नगर मेरठ, ठीक है, मेरठ। तो इस प्रकार से आपको पत्र लिखना होता है। यहाँ पर हम भौदीय हस्ताक्षर मैंने लिख दिया, नाम लिख दिया, बट नाम आपको अगर एग्जाम बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो नहीं लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर पता, तो ये सब आपको इस प्रकार से लिखना होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि सेवा में जिनके पास आप लिख रहे हैं उनका नाम, विषय आपको जरूर लिखना है, विषय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इस विषय पर आप लिख रहे हैं, फिर महोदय करके आपको अपनी पूरी समस्या यहाँ पर लिखनी है, ठीक है, और लास्ट में धन्यवाद करके आपको नाम और पता दे देना है। तो इस प्रकार से आपको आवेदन पत्र लिखना होता है। तो आई होप कि आपको पत्र लिखना अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इससे पहले भी मैंने पत्र लेखन के बारे में एक वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।